तो आज इस खबर पर नजर बनी रहेगी और देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, मौसम में बदलाव हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश किस तरीके से आफत बनकर आई है, जरा ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है मुंबई की, जहां सड़कें जो हैं तालाब में तब्दील हो चुकी है। सड़क जो है पूरी तरीके से पानी से लबालब है और लोगों को किस तरीके से आवाजाही करने में परेशानी हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए, दोपहिया वाहन हो और साथ ही अगर बस की हम बात करें तो वो भी बीच में फंस जाते हैं। लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर किस तरीके से वाहनों की लगी हुई, जरा आप ये देख लीजिए। यानी कि घंटों घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ता है लोगों को और आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना, इसलिए भी क्योंकि ना सिर्फ सड़कों पर ये पानी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बल्कि अब यही पानी जो है लोगों के घरों में भी घुस चुका है और यही वजह है कि लोग इस वक्त जो है काफी परेशान और बहाल नजर आ रहे हैं। मुंबई में बारिश आई, आफत बनकर आई, जगह जगह जलभराव की तस्वीरें और साथ ही साथ आप ये देखिए, ये जो रेलवे ट्रैक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरने की वजह से अब जो ट्रेनें हैं वो अब डिले चल रही है और यही वजह है कि अब ट्रेन की आवागमन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी कि साफ तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि प्रशासन कितना बड़ा लापरवाह यहाँ पर है। पिछले साल भी आलम कुछ ऐसा ही था और इस बार भी आप देख सकते हैं साफ साफ, अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में ही आलम कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर के बाहर जो सड़क है, लोग पैदल चल रहे हैं और घुटनों तक पानी है। अभी फिलहाल कम बारिश हो रही है, उसके बावजूद आप देखिए आलम ऐसा हो चुका है। और यहाँ पर आपको सड़कें दिखाई देगी, किस तरह से जो लोग हैं और परेशान होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लगातार मुंबई से, और मुंबई में पिछली बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब वहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर मांग की थी कि आप प्लीज व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, लेकिन प्रशासन ने फिर भी इस बार इंतजाम नहीं किए। आप देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां आ रही है, आपको साइड में वहां पर लोग भी नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं कुछ तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर नजर आएगा आपको कि सड़कें जलमग्न हो चुकी पूरी तरह से, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लग रहा है सड़क नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई नदी या नाला है ये, और उससे गाड़ियां ले जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, प्रशासन भी साफ तौर पर मुश्किलों का सामना करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में जल निकासी एक तो नहीं है, जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद आपको काम करना है। और कुछ लोग यहाँ पर देखिए अपने काम के लिए जा रहे हैं, रोज इन लोगों को इसी सड़क से होते हुए गुजरना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात कि बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, एक जगह पर जब ज़्यादा देर तक पानी इकट्ठा रहेगा तो जाहिर तौर पर बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है, मच्छर पनपते हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जगह जगह पर जल जमाव, लोकल ट्रेनों पर असर देखने को मिल रहा है, बारिश से रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है, ना सिर्फ मुंबई बल्कि अलग अलग जगहों पर। आलम कुछ ऐसा ही है।